जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लव यू गोदा में। इन सितारों को देखिएगा, ये कौन घूम रहा है और कहाँ कहाँ घूम रहा है। अगर जो आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद देखिएगा बलूनी फिल्म्स को। जी हाँ, बलून फिल्म्स कॉमेडी वीडियो जो है हमारे, हम उसमें एक्टिंग वगैरह करते रहते हैं। यहाँ की सुंदरता, सुंदर झलकियाँ देखिएगा, आपने इनको देखा होगा। ये है जी हाँ हिटलर बीबी, आपकी नहीं सिर्फ हमारी। जी हाँ, आपने इसका जोर देख रहे हैं तो बलून फिल्म्स को देखते रहिएगा। तो ये है कड़ू आश्रम में आप हम अपनी फैमिली के साथ घूमने आए हैं। जी हाँ, ये कोरदार से मात्र 14 किलोमीटर और 15 किलोमीटर के एरिया में आपको ये कर्णाश्रम मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सुंदर बसंत पंचमी का मेला होता है, लेकिन 2022 में कोरोना के चलते हुए यहाँ पे मेला स्थगित कर दिया गया है। अब यहाँ पर मेला नहीं होगा इस साल, तो आप जो है यहाँ के मजे लीजिएगा। और ये दिल्ली से सिर्फ आपको 200 किलोमीटर के एरिया में मिल जाएगा। ठंड में मजा लीजिएगा। और ये बुजुर्ग आदमी मेरे पिताजी है, और यहाँ का मजा मैं दिखाता हूँ। पीछे ये बिल्कुल साइकिल बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पे मैं नहाया भी था ठंड में। फोटो तो खींचना ही है ना। अरे चलिए दिखाते हैं मजे लोग यहाँ के मजे। ये यहाँ का साइफन ये बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पे मैं नहाया था, यहाँ से गुत्ता मार रहा था और इधर निकल गया। कई लोग इसमें मर भी चुके हैं। यहाँ पानी आधा भरा होता है, ये नीचे समा लेता है। और यहाँ की सुंदरता, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर आप देख सकते हैं। ये हमारी सपनों की रानी यहाँ पे खड़ी है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ की एक छोटी सी कहानी। शकुंतला तो आपने सुना होगा, राजा भरत जिसका नाम जो है राज भरत, भारत हमारा जो देश का नाम पड़ा है, यहीं पे वो रहा करते थे, यहीं पे उनका जन्म हुआ था। इस बारे में अगर जो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ के बारे में पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा और जो उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ जहाँ उनकी कुटिया हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ की सुंदरता के बारे में आप जरूर इस वीडियो को देखेगा और मजे लीजिएगा। ये मंदिर है, आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। राजा भरत का डांस करो फटाफट। और ये मेरे पिताजी, आपने इनको देखा होगा। और ये हीरोइन, जी हाँ बलूनी फिल्म्स की हीरोइन है। और इनके जौहर आपने देखा होगा। और यहाँ पे हमने आपके लिए जो है सुंदर सा एक होटल, ओयो होटल जो है, यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है, घूमने की व्यवस्था भी है। यहाँ पे आप दो तीन जगह घूम सकते हैं। पहलवान, जी हाँ आधुनिक भीम की उपाधि जिनको मिली है उनका भी यहीं पे है। और एक बंगला भी है, डाक बंगला, बंगला भी कह सकते हैं। रिसोर्ट्स वगैरह है ऊपर, अगर जो आप वहाँ पे जाना चाहते हैं मैं उस वीडियो भी आपको दिखाता रहूँगा। तो जो आप यहाँ की सुंदरता यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे पहले बाउंड्री नहीं होती थी, यहाँ पर जो मेला होता था, मेला पहले नदी में होता था। जो पुल दिखाया मैंने आपको, पुल के नीचे जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो पुल के नीचे ही वो मेला लगता था। धीरे धीरे चेंज होता रहा, कभी जो है ऊपर हुआ, कभी नीचे हुआ, कभी दाएं हुआ। लेकिन अब ये बहुत बड़ा यहाँ पे मैदान बना दिया गया है। और ये दीवार देखिए आपने, इसे अंडरग्राउंड, ये जो दीवार इतनी मोटी बनाई गई है कि इस पे ही सारा जो है मेला यहाँ पे होगा, हो सकता होता है। पहले इस पुल के नीचे हुआ करता था। तो ये होटल के बगल में जो है बहुत बड़ा बना दिया गया है मैदान, ग्राउंड, जिसमें कि मेला होता है, वॉलीबॉल के खेल वगैरह भी हुआ करते हैं थोड़े से, और दुकानें सब यहाँ पे लगा करती हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके नदी में घाट भी बन चुका है। यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों की डेड बॉडियाँ आती हैं और जो स्वर्ग में उनको स्थान मिलता है। तो इतनी मोटी दीवार लेके देखो आप यहाँ पे चलेंगे, एक यहाँ पे खड़ा हो, एक यहाँ पे खड़ा हो और एक यहाँ पे, तीन आदमी एकदम से खड़े होते हैं। इतनी मोटी यहाँ पे दीवार बाउंड्री की गई ताकि पानी यहाँ पर ना आए और ये मैदान पानी में ना गिर सके। तो आपको वीडियो कैसे लगी? आप अगर जो और भी व्लॉग वगैरह देखना चाहते हैं लव यू कोटदार को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और जो है कॉमेडी वीडियो के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बलूनी फिल्म्स को देखिएगा इसके बाद। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी? जय हिंद, जय जय भारत। हम ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लेते आएंगे। जय हिंद।